शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 12 जुलाई 2024 के साकार मथुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम विश्व नियंता का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें नॉलेजफुल बनाया, नॉलेज देकर निर्विघ्न बना दिया, शान में रहना सिखाया, परेशानियों से मुक्त कर दिया। जब हम अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं, क्या, क्यों, कैसे, तो आत्मा प्रसन्नचित्त बन जाती है। बाबा जो नॉलेज देते हैं उससे हम प्रसन्नचित्त से प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। ऐसी आत्मा जो प्रसन्नचित्त है वो सदा निर्विघ्न रहती है। इस यज्ञ में सब प्रश्नों को स्वाह कर देना है। याद दिलाया बाबा ने कि तुम साहिब के बच्चे हो, साहिब के बच्चे साहिब जादे हो, आप बच्चे ही भविष्य में शहजादे बनते हो, राजकुमार राजकुमारियां बनते हो। ये बात याद रहेगी तो याद की विधि से आप विकर्मों को विनाश कर सकेंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। बहुत सुंदर विधि बाबा ने सिखाई जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं, और वो विधि है कि अपनी नज़र बाबा से मिलाओ। बाबा से नज़र मिलाना अर्थात निहाल हो जाना, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो नज़रों से निहाल हो जाएंगे। जो बच्चे बाबा को याद करते हैं वो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे दे सही दे के सब संबंधों को भूल मामी कम याद करो, मुझे याद करेंगे तो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। गायन है यदा यदा ही धर्मस्य, वो इसी समय का गायन है। अब बाबा आए हैं जब अति धर्म ग्लानी है। बाबा आते हैं नई दुनिया के योग्य बनाते हैं, नई राजधानी बन रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें साहिब जादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। तुम्हें साहिब जादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से विकर्मों को भस्म करो। क्वेश्चन है किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलाने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाबा को याद करते हो जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, तुम सुख दाम के मालिक बन जाते हो। अटेंशन से सुनेंगे किस विधि से दुख दूर हो जाते हैं। जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाबा को याद करते हो जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं शिव भगवान वाच, माना ही शिव बाबा समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है, हूबहू जैसे 5 वर्ष पहले लिया था, आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाबा समझाते तुम सूर्यवंशी विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो, मुझे अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है, उस सच्चे साहिब के बच्चे साहिब जादे हो। वो बाबा समझाते उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। श्रीमत प्रमाण
बुद्धि का योग बाबा से लगाएंगे तो सब पाप कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा से जब तुम्हारी नज़र मिलती है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। नज़र मिलाने का भी अर्थ समझाते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता। इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। यह दुख धाम, सब नरकवासी हैं, तुमने बहुत पाप किए, इसे कहते रावण राज्य। सतयुग को कहा जाता राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, भले कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़े ही है। तुम तो भगवानुवाच कहते रहते हो, शिव भगवानुवाच। हम आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण के कोई संतान थे ऐसा नहीं कहेंगे, ना इतनी रानियां थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है तो नाम बदल जाता है। हाँ ऐसे कहेंगे श्री लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। श्री राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब एक बच्चा होता, फिर उनकी डायनेस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब माँ में कम याद करना है, केवल एक को याद करना है। देह के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बताना चाहिए। शिव भगवान उवाच, हे बच्चे, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। पावन होते सतयुग में, पतित होते कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग बनना है, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हमें ब्राह्मण ज्योति विराट रूप भी है ना, पहले ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं हैं सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरम अपार दुख है, सब दुखी हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। कलयुग में दुख है, यह रावण राज्य। ये रावण भारत का नंबर वन दुश्मन है। हरेक में पांच विकार हैं। सत्यों में कोई विकार नहीं होते, वो है पवित्र ग्रस्त धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, और ही गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब शादी बनाते रहते, रखने के लिए थोड़े ही हैं। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत थोड़ा है, ड्रामा अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण शुरू करते हो, हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वो और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में छोटे बच्चे भी सतो प्रधान होते हैं, और बच्चों में कोई चंचलता नहीं होती है। श्री कृष्ण जी के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते थे, ये करते थे, ये तो महिमा के बदले और ही ग्लानी कर दी। कितना खुशी में आकर कहते हैं कि वो सर्वव्यापक है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। ये बड़ी भारी ग्लानी की, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है कि वो निराकार बाप है, जिनका नाम है कल्याणकारी शिव, सबका सदगति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर है। फिर इतना दुख क्यों हुआ? क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन, उसको मारते भी हैं लेकिन वो मरता नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं, यहाँ अपरम अपार दुख है। सतयुग में है अपरम अपार सुख। 5 वर्ष पहले बेहद बाप के बच्चे बने थे, और ये वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तभी तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना है। शिव तो आते हैं बेहद की रात में, बाबा कब आते हैं? बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले।
अमृत वेला शुभ मुहूर्त माना जाता। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वो प्रभात तो नहीं हुई, प्रभात 2-3 बजे को कहा जाता, जबकि सिमरण भी कर सके। ऐसे थोड़े कि 12 बजे विकार से उठ के कोई भगवान का नाम लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता, उस समय वायुमंडल खराब रहता है। 2:30 बजे थोड़े कोई उठता है, 3 बजे का समय अमृत वेला है, 3 बजे 4 बजे अमृत वेला है, उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। ये टाइम मनुष्यों ने बनाए, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की वेला निकाल सकते हो, शिव की वेला कुछ भी नहीं निकाल सकते, ये तो खुद आके समझाते। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की, गीत पिछाड़ी में नहीं पहले बजाना है। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता। आज से 5-4 वर्ष पहले श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था, वहाँ अपरम अपार सुख थे, अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया, अरे अभी तो नरक है ना, स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। समझाना चाहिए, हमारे पास इतने वर्षों का अनुभव है, वो सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें टाइम चाहिए। पहले पहले 1 सेकंड की बात सुनाते, बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है उनका परिचय देते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है उनका परिचय देते, वो सब आत्माओं का बाप है। हम बीके सब शिव बाबा की मत पे चलते हैं। बाबा कहते तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5-4 वर्ष पहले आया था, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता, शिव जयंती होती, जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता। ये गीता एपिसोड चल रहा है, नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तुम देख रहे हो, इस पति दुनिया का विनाश जरूर होना है, इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में चलो। अथाह दुख है, लड़ाई मौत विधवापन जीवघात करना। सतयुग में अपार सुखों का राज्य था, ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र जरूर वहां ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5-4 वर्ष की बात सुनाते हैं, इन्होंने कैसे जन्म पाया, इतने ऊंच कैसे बने, कौन से कर्म किए जो ये बने, कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए पाप आत्माओं की दुनिया कहते हैं। लेन देन भी पाप आत्माओं से करते हैं। बाबा कहते यहाँ पर कितनी क्रिमिनल दृष्टि है, सतयुग को कहते हैं सिविलाइज्ड, यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, वहाँ कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये तो जानना चाहिए ना। दुखधाम सुखधाम क्यों कहा जाता है, सारा मदार है पतित और पावन होने पर। इसलिए बाबा कहते कामा शत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। आधा कल पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवी देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी हैं, सब तरफ कहते हैं भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते, जो आता है वो बोल देते हैं, ये समझना है। अब मौत सामने है, बाबा कहते माँ मिकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। करेंगे 5 सेकंड के लिए याद, उस महाज्योति से निकलता प्रकाश मुझे पवित्रता का बल प्रदान कर रहा है। बाबा ने कहा माँ मिकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुखधाम के मालिक बनेंगे। अब तो है ही दुख, कितना भी वो लोग कॉन्फ्रेंस करें संगठन करें इससे कुछ होना नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों से करा रहे हैं, तुमने पुकारा पतित पावन आओ, मैं अपने समय पे आया हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य, इसका अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित हैं। बाबा कहते रावण ने तुम्हें पतित बना दिया, मैं पावन बनाने आया हूँ, मैं पावन दुनिया थी अब पतित दुनिया है, 5 विकार सब में है, अपरम अपार दुख है, सब तरफ अशांति अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमोप्रधान पाप आत्मा बन जाते हो मैं तब आता हूँ,
बाबा कहते, जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तो मैं तुम पर उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो, इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे रथ भी चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं, रावण राज्य में है, यहाँ रावण राज्य है, पतित पावन एक शिव बाबा है। बाबा कहते, फिर से सतो प्रधान बनो, पतित पावन तो मैं हूँ ही, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन योग है ये, राजयोग प्राचीन योग है, आएंगे भी जरूर ग्रस्त धर्म में। कैसे वंडरफुल रीति आते हैं, ये पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए। ब्रह्मा प्रजा पिता भी है और हम सबकी माँ भी है, गौमुख चाहिए जिससे अमृत निकले। तो ये मात पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा, जिनको हम मातेश्वरी जगदम्बा कहते हैं, उन्हें कहा जाता जगदम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया, कामचिता पर ऐसे बन गए। श्री कृष्ण को सांवरा फिर गोरा भी दिखाते हैं। ये बातें समझने के लिए टाइम चाहिए। यही आत्मा सत्युग में सुंदर थी, जन्म पुनर्जन्म लेते श्याम बन गई, तब श्याम सुंदर कहते हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई की बुद्धि में ये बातें बैठती हैं, क्योंकि सब में पांच विकार हैं। तुम ये बात सभा में भी समझा सकते हो, कोई को भी बोलने का हक है, ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं, नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज़ ना करो, ऐसे से बैठ समझाओ। अभी अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को रचना को जानते हैं, तुम किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब कैसे बनाया ये तुम नहीं जानते, आओ हम आपको समझाएं। भगवान ने कैसे पैराडाइज बनाया, स्वर्ग बनाया, आओ आपको बताएं। 84 जन्म कैसे लेते हैं, 7 दिन का कोर्स लो तो तुम 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन जाएंगे। 7 दिन का कोर्स लो तो 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्यात्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाबा ने समझाई वो बुद्धि में रख। पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाबा ने समझाई बुद्धि में रख। पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। वरदान है नॉलेजफुल बन। सर्वव्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बन, सर्वव्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्यों क्या के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सब व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा, दूसरे का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। नॉलेजफुल बनने से निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रो तो कभी परेशान नहीं होंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। जब कोई विघ्न आता है क्या, क्योंकि अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सब व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा, दूसरे का भी। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय
जन्म से अधिकार है, इस शान में रो तो कभी परेशान नहीं होंगे। स्लोगन है सदा उत्साह में रहना, दूसरों को उत्साह दिलाना, ये आपका ऑक्यूपेशन है। उत्साह में रहना, दूसरों को उत्साह दिलाना, ये आपका ऑक्यूपेशन है। आज हम दिल से शुक्रिया करते रहेंगे और बाबा को दिल से बोलेंगे, बाबा आपने हमें निर्विघ्न बना दिया, अब हम कभी परेशान नहीं होंगे, अपनी शान में रहेंगे। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं अपने सत्य स्वरूप पर। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे सब प्रश्नों से पार कर दिया, शान में रहना सिखा दिया। प्यारे बाबा, आपने इतनी मीठी नॉलेज दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। ओम शांति। आज के ज्ञान मोती में हम जानेंगे कि 9 रत्न कौन से हैं और बाप दादा ने अब तक उनका नाम क्यों नहीं बताया।